मध्य प्रदेश में नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। प्रदेश भर में 17 जून को प्रवेश उत्सव मनाया गया, लेकिन प्रदेश में सरकारी स्कूल की दयनीय हालत की एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है। ताज़ा मामला देवास जिले के ग्राम लंकुमड़ी का है, जहां स्कूल परिसर में हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रवेश उत्सव के अंतर्गत उन्नत प्राथमिक विद्यालय ग्राम लंकुमड़ी में 17 जून को प्रवेश उत्सव कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें पहले दिन बच्चों का स्वागत कर आगामी सत्र की पढ़ाई के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि स्कूल तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन स्कूल में होने वाली सुविधाएं नहीं हैं। पीने के पानी की व्यवस्था, बच्चों को शौचालय जाने की व्यवस्था नहीं है, चारों तरफ गंदगी फैली है और किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा और यहां पर हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताया। 17 जून से मध्य प्रदेश में उन्नत उत्सव के अंतर्गत सभी शासकीय स्कूल खोले गए हैं। इस वक्त हम मुख्यालय से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर ग्राम लकुमड़ी में मौजूद है। सबसे पहले मैं कैमरामैन को कहूँगा कि स्कूल का नाम दिखाएंगे हम आपको बाहर से। स्कूल का नाम है शासकीय उन्नत प्राथमिक विद्यालय लकुमड़ी, विकासखंड सोनकच्छ, जिला देवास। जी, आज हम यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँचे हैं कि स्कूल की शुरुआत तो हो चुकी है, बच्चों का कल से स्कूल जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, अब कल से पढ़ाई होना शुरू हो गई है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पहले तो दिखा दूँ कि कैमरामैन को कहना चाहूँगा थोड़ा पास में आए। ये खिड़की के अंदर से आप बोर्ड पर स्पष्ट देख सकते हैं, थोड़ा सा आप अंदर करिए कैमरा, आप देखेंगे स्पष्ट लिखा है प्रवेश उत्सव सत्र 2022-23 उन्नत प्राइवेट प्राथमिक विद्यालय लकुमड़ी, दिनांक 17 जून 2022। यानी 17 जून से स्कूलों की शुरुआत हो चुकी है, यानी पढ़ाई, बच्चों का आना जाना स्कूल में शुरू हो चुका है और पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जो व्यवस्था रहती है स्कूल में, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। व्यवस्था का मतलब होता है यहाँ की जो है टॉयलेट की व्यवस्था, बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था। तो एक नज़र सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो बच्चे आएंगे 5वीं तक पढ़ाई करने के लिए, उन्हें लंच में या फिर समय समय पर जब टॉयलेट आती है तो टॉयलेट के लिए उन्हें बाथरूम जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये बालक छात्रों के लिए बालक का ये बेसिन बना हुआ है, अभी तक ये ऐसा कैसा रखा हुआ है, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। इधर टॉयलेट बना हुआ है, दरवाज़ा आप देख सकते हैं किस तरीके से टूटा हुआ है, शीट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आगे हम देखेंगे कि बालक के बाद में बालिकाओं के लिए ये टॉयलेट बना हुआ है, इसकी भी स्थिति एज इट इज़ सेम टू सेम है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। आगे अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये पूरा क्षतिग्रस्त हो रहा है, यानी अगर बीच में बच्चे अगर शौचालय जाते हैं तो आखिर ये कहाँ जाएंगे, ये जिम्मेदारों को सोचना चाहिए। पहले ही स्कूल की तैयारी तो पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अव्यवस्था सुधार जरूर है। अभी हम आगे और थोड़ा सा चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पानी की व्यवस्था यहाँ के स्थानीय जो है शिक्षकों ने या संबंधित विभाग के द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं की है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विडंबना है, 17 जून से स्कूल बच्चों के शुरू हो चुके हैं, शिक्षा लेने के लिए बच्चे शासकीय स्कूल में पहुंचेंगे, लेकिन व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये काफ़ी गंभीर विषय है कि बच्चे परेशान होंगे। देख सकते हैं यहाँ पर पानी की पीने की व्यवस्था है, यहाँ पर नल लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी किसी प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे बच्चों को पानी की सुविधा मिल सके। ये साले नल टूटे हुए हैं,